राजगढ़ जिले से ठिकाना उड़पुर जांगीर में ठाकुर साहब कुमेर सिंह जी उमट की पुत्रवधु व दशरथ सिंह उमट आर्मी रिटायर की धर्मपत्नी को माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यह माने तो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 2 साल से ज्वाला माँ सपने में आकर रोज बताती थी कि मैं यहाँ रोड़ी में बैठी हुई हूँ, मुझे अब बाहर निकाल लो। 19 तारीख के दिन रात को 8:17 पर माता रानी प्रकट हुई। ऐसी कृपा दया आशीर्वाद अलौकिक दर्शन व चमत्कार देखने को पहली बार मिला है। उन्हें एक बालक की भांति उठाकर अपने घर में विराजमान किया गया। उसी उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण किया गया। गुरुदेव महेश जी शर्मा के मुखारविंद से 7 दिवसीय कथा का आयोजन भी किया गया। इसी दौरान कन्या भोज एवं प्रसादी वितरण की गई। राजधानी समाचार के लिए संवाददाता रघुवीर सिंह बना की खास रिपोर्ट। दयालु हैं गुरु जी, वर्तमान में मैं खिंची को रहती हूँ। ठीक है, धन्यवाद। तो भी बना वन मिनट का ये निकल ही नहीं है तो मान था बिना का जो था ये हम सेम भाई हो फोटो फोटो सेंड आप मेरे पास कर दो। क्या करते हैं आप सेक्रेटरी क्या? नमस्कार, आप राजधानी समाचार के साथ में जुड़े रहिए। आज हम दशरथ सिंह जी परमार जो आर्मी में से रिटायर फौजी हैं उनके यहाँ खड़े हैं और उनको के यहाँ रोड़ी में से माता जी की मूर्ति निकली है। ज्वाला माता जी के गुरु जी भी यहीं खड़े हैं और दोनों पति पत्नी साथ में ही हैं तो उनके जो घर से हैं उन्हें माता जी बार बार दर्शन दे सपने में आके दर्शन देती थी और दर्शन देने के बाद में रोड़ी का दृश्य दिखाती थी। उसी दृश्य वहाँ से अभी मूर्ति की निकली और सभी गांव वालों ने दर्शन किए हैं। हम पूछते हैं कि उन्हें कितने साल से यह सपने आते थे और कैसे से मूर्ति निकली और उन्होंने यहाँ भागवत जी का आयोजन भी किया है, बताएं। मेरे को 2 साल से बराबर माता जी दिखती है। जब भी मैं गांव आती हूँ और मुझे रोड़ी की तरफ मतलब आकर्षित होने का मेरा मन होता है तो मैं बराबर उस रोड़ी को देखती थी और मैं घर परिवार को बताती भी थी कि यहाँ माता जी है, लेकिन सबको तो रोड़ी दिखती थी और मुझे बराबर माता जी दिखती थी। काफ़ी जगह पूछा, सब जगह बना, लेकिन मेरी किसी ने नहीं मानी। लेकिन भगोरा के जो गुरुदेव हुए उनसे मैंने भी चर्चा करी। मैंने बोला गुरुदेव मेरे को ऐसा होता मैं आँख बंद करती हूँ, मैं खिंचीपुर में रहती हूँ और मैं ओलपुर पहुँच जाती हूँ और मुझे बराबर माता जी दिखती है। गुरुदेव ने कहा चलो देखेंगे। गुरुदेव से निवेदन किया, बड़ी गिनती से गुरुदेव का आगमन गाँव हुआ और गुरुदेव से मैंने बोला, मैंने कहा गुरुदेव आप देखिए मैं कहीं भ्रमित तो नहीं हूँ कि मेरी एक सोच ऐसी बन गई है। तो गुरुदेव ने देखा और गुरुदेव ने बोला बिल्कुल सामने माता जी है और उनके प्रेरणा से भागवत पुराण के माध्यम में 19 तारीख को रात की 8:17 पे माता जी का आगमन हुआ। मैं पता नहीं किस धुन में गई और बच्चों की तरह उनको उठा के अपने घर। तो अभी हम दशरथ सिंह जी जो हैं हमारे फौजी उनसे भी चर्चा करना चाहते हैं कि आपको कोई ऐसे धीरे धीरे करके मार्गदर्शन कैसे मिला, आप कैसे करके आप माता जी तक पहुँचे। उन्होंने जैसे बताया पूरा आपको अवगत करा दिया गया है, यही चीज़ें मेरे को बताया। फिर आपसे गुरुदेव से हमारा गुरुदेव श्री श्री महेश जी शर्मा जी ग्राम भगोरा से संपर्क हुआ और आपसे हमने निवेदन किया हमारे यहाँ पे। फिर हमने 7 दिवसीय भागवत सप्ताह कार्यक्रम रखा, उसी के दौरान बीच में इनको आभास हुआ कि ये तो
बोला भी कि मेरे गुरुदेव की भी आज्ञा थी कि खोदना पड़ेगा, शायद मूर्ति नीचे हो, लेकिन माता जी की फिर कृपा हुई। मैंने ही मतलब मेरा ही प्रश्न चिन्ह हुआ थोड़ा सा कि भाई हम क्यों खोदें, अगर साक्षात है माता जी का वो चीज़ है तो आए ऊपर। तो माता जी को इन्होंने बोला और माता जी का 19 तारीख को हमें तो पता भी नहीं चला और ये गए आह्वान किया वहाँ पे और माता जी खुद आए हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।